Assalamualaikum. Good morning, students of grade 5. Welcome back to the recorded lesson of science, and I'm your science teacher, Miss Aisha. In the last classes, we have done many topics of our chapter, unit number 8. हम यूनिट नंबर 8 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके. देन वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट मास एंड वेट. मास और वेट के बारे में भी पढ़ चुके थे. इसके अलावा मैंने आपको फोर्सेस की टाइप्स पढ़ाई थी, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इनर्शिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओपन पेज नंबर 101. मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन योर बुक एंड लिसन वेरी केयरफुली. Today we are going to start our next chapter, our next topic, and the name of our topic is simple machines. हम अपने chapter का आधा part पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने forces के बारे में पढ़ा. अब आपका जो new topic start हो रहा है, the name of that topic is simple machines. हम simple machines के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. सिंपल मशीन्स वो चीज़ें जो कि आसपास आपकी बहुत सारी मशीन्स के अंदर हम यूज़ करते हैं. अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं. दीज आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स. अब हर वो चीज़, सबसे पहली चीज़ ये कि मशीन्स होती क्या हैं. हर वो ऑब्जेक्ट या हर वो चीज़ जो कि आपका वर्क ईजी करे, वो चीज़ क्या कहलाती है? मशीन कहलाती है. ओके, सो ओपन योर बुक्स एंड सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक. मोस्ट मशीन्स दैट वी यूज टूडे आर मेड अप ऑफ मैनी मूविंग पार्ट्स. आजकल हम जो भी मशीन्स यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, हम जो भी मशीन्स यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स से मिलकर बन रही होती है. ईच पार्ट कैन बी क्लासिफाइड एज अ सिंपल मशीन. और हर पार्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो आपकी एक सिंपल मशीन है. मतलब वो स्मॉल पार्ट्स जो कि मिलकर आपकी एक कॉम्प्लेक्स मशीन बनाते हैं, उनको हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये तमाम की तमाम सिंपल मशीन्स हैं. मशीन्स गिव अस मैकेनिकल एडवांटेज विच इज़ द एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज़ गेन्ड बाय यूजिंग सिंपल मशीन्स. इन अदर वर्ड्स, लेस एफर्ट नीड्स टू बी अप्लाइड टू डू मोर वर्क. मशीन्स का काम क्या होता है कि मशीन्स हमें मैकेनिकल एडवांटेज देती हैं. मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या है? कि हम अपना काम कम एफर्ट लगा के जल्दी कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ मशीन. ओके, अब आपको पता लगा कि सिंपल मशीन्स क्या हैं. वो छोटी मशीन्स या वो स्मॉल पार्ट्स जो कि मिलकर आपकी कॉम्प्लेक्स मशीन्स बना रहे होते हैं. और ज़्यादातर सिंपल मशीन्स कैसी होती हैं? मूविंग पार्ट्स होते हैं. कम टू पेज नंबर 102. पेज नंबर 102 पर आपको यहाँ जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसमें है टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. मतलब सिंपल मशीन्स की डिफरेंट टाइप्स आप लोग पढ़ने जा रहे हैं. नाउ सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 102. लीवर्स, इंक्लाइन प्लेन्स, वेजेस, स्क्रूज, व्हील्स एंड एक्सेस, पुलीज आर ऑल सिंपल मशीन्स. अगर मैं आपसे सिंपल मशीन्स के नेम्स पूछूं, तो आप यहां से इनके नेम्स बता सकते हैं कि लीवर्स, इंक्लाइन प्लेन्स, वेजेस, स्क्रूज, व्हील एंड एक्सेल, पुलीज, ये तमाम के तमाम किसके नाम हैं? सिंपल मशीन्स के नाम हैं. ऑल मशीन्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज सिंपल मशीन्स. अब जितनी भी हमारी वर्किंग वाली मशीन्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, वो तमाम की तमाम इन्हीं सिंपल मशीन से मिलकर बन रही होती हैं. अब आगे आके जैसे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ती रहेंगी, आप इन डिटेल सिंपल मशीन्स पढ़ेंगे. आज अपने इस लेसन में हम कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. एंड फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीवर. सबसे पहले हम लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे. लीवर इज़ अ सिंपल मशीन इन द फॉर्म ऑफ एन आर्म विच कैन फिट अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग वेरी लिटिल एफर्ट. लीवर एक ऐसी सिंपल मशीन है जो कि आर्म की फॉर्म में होती है, और बहुत ईजीली कोई भी हैवी लोड को कम एफर्ट में हम उससे उठा सकते हैं, या कोई भी काम कम एफर्ट लगा कर कर सकते हैं. वो मशीन क्या कहलाती है? लीवर कहलाती है. अ पॉइंट ऑन विच लीवर इज रेस्ट एंड अबाउट विच इट टर्न्स इज कॉल्ड द फलक्रम. लीवर में लाजमी कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से वो मशीन टर्न हो रही होती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? फलक्रम कहलाता है. ओके, लीवर के थ्री पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, क्या होता है वो? फलक्रम. फलक्रम कैन बी एनी वेयर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आर्म. आर्म के लॉन्ग के साथ फलक्रम कहीं भी हो सकता है. पहले जब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद एग्जाम्पल समझाऊंगी, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि फलक्रम कौन सा पॉइंट है. और आप आसपास बहुत सारी एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसमें से नोट करेंगे कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ फलक्रम इन इट.
नाउ सेकेंड पॉइंट इज एफर्ट. सेकेंड पॉइंट कौन सा होता है? एफर्ट होता है. द पावर दैट इज अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट. वो पावर जो कि हम लगा रहे होते हैं लोड को करने के लिए, लोड को लिफ्ट करने के लिए या काम को करने के लिए, वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो पावर क्या कहलाती है? एफर्ट कहलाती है. एंड द वेट दैट इज़ लिफ्टेड इज़ कॉल्ड लोड. और वो वेट जो लिफ्ट हो रहा होता है या जो वो काम जो हो रहा होता है वो क्या कहलाता है? लोड कहलाता है. ओके, सो दीज आर द थ्री पॉइंट्स ऑफ लीवर. फर्स्ट वन इज़ फलक्रम, सेकेंड वन इज़ एफर्ट, एंड थर्ड वन इज़ लोड. वाइल रिमूविंग द लिड ऑफ अ केन विद अ स्पून, अगर आप एक केन का लिड, एक केन का जो ऊपर का ढक्कन होता है उसको किसी स्पून से खोल रहे हो, द एज ऑफ द केन एक्ट्स एज अ फलक्रम. अब देखिए ये जो कोना है केन का, ये मूविंग पॉइंट है. यहाँ से हमारा स्पून हम इंसर्ट करते हैं, ये मूव होता है. तो दिस पॉइंट ऑफ केन इज कॉल्ड फलक्रम. टू पुश द हैंडल ऑफ द स्पून डाउन, हैंडल स्पून के हैंडल को नीचे करने के लिए हम एफर्ट कहाँ से लगा रहे होते हैं? हैंडल के ऊपर वाली साइड से. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एफर्ट. एंड मूव द लिड अपवर्ड्स, एफर्ट इज अप्लाइड. एफर्ट अप्लाई होती है इसको ऊपर करने के लिए. तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमने ये फलक्रम है मूविंग पॉइंट, ये एफर्ट है, और ये जो काम हुआ है इस जगह मूवमेंट हुई है, जो ढक्कन आपका लिड ऊपर ओपन हो जाएगी, ये क्या है? लोड है. तो दीज आर द थ्री पॉइंट्स ऑफ लीवर. हर मशीन के थ्री पॉइंट्स होते हैं. कम टू द एग्जाम्पल ऑफ सीजर्स. अब अगर मैं आपको सीजर की एग्जाम्पल दूँ, आप ये देखिए सीजर को नोटिस कीजिए कि बीच का जो पॉइंट होता है वो हर सीजर में मूव हो रहा होता है. ऐसी है सीजर के बीच में पॉइंट आता है जिससे आपकी सीजर मूव हो रही होती है. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फलक्रम. हम जहाँ से अपने काम कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, वो ये वाला पॉइंट होता है सीजर का. यहीं पर ही हम अपना हाथ एंटर करके सीजर को मूव करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एफर्ट एंड इट इज़ द पॉइंट ऑफ लोड. ये लोड का पॉइंट होता है. लोड मतलब जहाँ से आपका काम हो रहा होता है. सो लीवर के तीन पार्ट्स होते हैं, आपने वेरी प्रॉपरली लर्न रखना है. एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीवर. अब लीवर कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं. तो मैं तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सी द नेक्स्ट हेडिंग. फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, क्लास वन. अब फलक्रम की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लीवर को थ्री क्लासेस में डिवाइड करते हैं. ओके, सो हेयर इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर. इन द फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर द फलक्रम इज़ बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड एज इन सीसॉ एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स. अब आपके सामने एग्जाम्पल्स गिवन हैं सीसॉ की और सीजर की. आप देख रहे हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स में, जैसे मैंने आपको सीजर की एग्जाम्पल में बताया, हेयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सीसॉ. सीसॉ में आप देखते हैं कि सेंटर का पॉइंट कौन सा होता है? टर्निंग पॉइंट होता है. एक जगह पर अगर हम वेट रखते हैं तो दूसरी पोजीशन पर मूवमेंट ऑटोमेटिकली होती है. सो इन द फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर फलक्रम हमेशा सेंटर पॉइंट पर होता है. सो एफर्ट एंड लोड के बीच में अगर फलक्रम होगा तो ये कौन सी टाइप होगी? फर्स्ट टाइप होगी. हेयर इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ लीवर. अब लीवर की सेकेंड क्लास में क्या होता है? इन द सेकेंड टाइप ऑफ लीवर द फलक्रम इज एट वन एंड एंड द लोड इज बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट एज इन अ व्हील बरो, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर एंड टोंग्स. अब आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं व्हील बरो की, नट क्रैकर की. हम टेक द एग्जाम्पल ऑफ व्हील बरो. अब हमेशा ये याद रखिएगा कि सेकेंड क्लास ऑफ लीवर में फलक्रम हमेशा एंड पर आ जाता है. और फलक्रम अगर एंड पर होगा और लोड बीच में होगा तो वो क्लास कौन सी कहलाएगी? सेकेंड टाइप कहलाएगी. मतलब आप देखते हैं कि व्हील बरो में हम क्या करते हैं, हमें लोड को वैसे उठाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम उसके एंड पर ये टर्निंग पॉइंट लगा देंगे, जैसे कि हमने इस व्हील बरो में व्हील लगा दिया, तो उससे हमारा लोड ईजीली लिफ्ट हो रहा है. तो इट इज़ अ मशीन. ओके, तो हर वो चीज़ जो कि हमारा काम आसान करते मशीन कहलाती है. अब यहाँ से हम एफर्ट लगा रहे होते हैं, मतलब यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो लिफ्ट करते हैं वो ये वाला लोड है. एंड हेयर इज़ अ टर्निंग पॉइंट विच इज़ फलक्रम. सो अगर टर्निंग पॉइंट एंड पर आ जाएगा तो वो कौन सा, वो क्या कहलाएगा? फलक्रम. वो क्या कहलाएगी? सेकेंड क्लास ऑफ लीवर. टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ नट क्रैकर. इसमें भी आप देखिए कि हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और बीच में आपने इस नट को तोड़ना है. मतलब लोड कहाँ पर हो रहा है, काम कहाँ पर हो रहा है? सेंटर में हो रहा है. सो एंड वॉट इज़ द टर्निंग पॉइंट और फलक्रम इन दिस? हेयर इज़ द फलक्रम. सो नट क्रैकर इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ लीवर. ओके, सो आपको डिफरेंस नज़र आया. अगर फलक्रम सेंटर में है तो इट इज़ फर्स्ट टाइप, और अगर फलक्रम सबसे एंड में है तो इट इज़ सेकेंड टाइप.
So see the third type of liver. See page number 103. 103 पर आपको थर्ड क्लास ऑफ लीवर एक्सप्लेन की गई है. इन द थर्ड क्लास ऑफ लीवर द फल्क्रम इज एट वन एंड एंड द एफर्ट इज बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड. जैसे कि एज इन ह्यूमन आर्म, हॉकी स्टिक एंड अ फिशिंग रॉड. ह्यूमन आर्म की एग्जाम्पल ले लीजिए अपने हाथ की, या फिर हॉकी स्टिक की एग्जाम्पल ले लीजिए. अगर फल्क्रम एक साइड पर, एक एंड पर होगा और एफर्ट फल्क्रम और लोड के बीच में पाया जाएगा, तो वो कौन सी क्लास होती है? थर्ड क्लास होती है. जैसे कि अब आप ये देखिए, फल्क्रम कहाँ पर है? एक एंड पर है. फल्क्रम कौन सा है? आपके हाथ का, ये जो आपके शोल्डर का आर्म है. अब अपने आर्म की एग्जांपल लीजिए कि आपका यहाँ से जो शोल्डर मूव हो रहा है, ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया? फल्क्रम हो गया. ठीक है, लोड मतलब आपने कोई चीज़ उठानी है, वो एक कॉर्नर पर हो गया. और एफर्ट बीच में है, मतलब जो आपके मसल्स हैं आपके ये वाले हाथ के मसल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? मूवमेंट, ये एफर्ट लगा रहे हैं, फोर्स आप इधर से लगा रहे हैं. सो सच टाइप ऑफ लीवर इज कॉल्ड थर्ड क्लास ऑफ लीवर. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट सिंपल मशीन. सबसे पहले मैंने आपको मशीन्स के नेम्स बताए और उसमें से मैंने आपको ब्रीफली लीवर को डिस्क्राइब कर दिया. सो आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, हम अपने ये टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल.